सिरोही से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर जामोत्रा गांव है। जामोत्रा गांव लगभग 500 घर की बस्ती है और यहां कई मंदिर हैं। यहां आशापुरा माता जी का मंदिर है, मौमा जी का मंदिर है, रामसा पीर का मंदिर भी है, बाबा रामदेव जी का मंदिर है जो अपने आप में काफ़ी व्यवस्थित है, काफ़ी विशाल भी है। आमतौर पर हम देखते हैं मंदिर भले ही बड़े ज़्यादा नहीं होते लेकिन उनके बहुत प्रभाव होते हैं, समाज को जोड़ने की बहुत बड़ी शक्ति होती है इन मंदिरों में। ये श्री रामसा पीर का मंदिर है, हम इनके दर्शन करें, भावपूर्ण दर्शन करें, श्री रामसा पीर के दर्शन करें। उससे पहले हम हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करें। हमने वहाँ अभी देखा, देखिए ये अभी भाई साहब जैसे बता रहे थे हमारे साथ में है, यहीं के स्थानीय, यहाँ नियमित रूप से लोग आते हैं, बड़े भाव हैं और हनुमान जी के प्रति भाव तो इस संसार में सबके हैं। ये श्री रामदेव जी का मंदिर, हम यहाँ एक कुछ शिला लेख देख रहे हैं, उसमें हालांकि तारीख 1979 की है लेकिन पुजारी जी बता रहे थे कि इससे भी पुराना मंदिर है। हम इस मंदिर के दर्शन करें, श्री रामसा पीर के दर्शन करें जो पूरा का पूरा, जिसको हम कहें कि संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ सत्संग भवन है, नियमित रूप से सत्संग चलता है। और श्री रामसा पीर, रामसा पीर भगवान के वो स्वरूप थे जिन्होंने भारत के बिखरे समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं चमत्कार किया, और भगवान चमत्कार ही करते हैं। श्री रामसा पीर के दर्शन करें, हम श्री गणपति श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। पवन तनय संकटरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहुं सुरखु। हमारी साकार भक्ति से हम निराकार भक्ति की तरफ जाते हैं, श्री गणपति जी के, गजानन भगवान के जो प्रथम देव हैं, जिनकी पूजा होती है, जो मूलाधार के निवासी हैं, हम श्री गणपति जी के दर्शन करें। यहाँ से देखिए ये कलयुग के इनको हम जिसको कहते हैं चमत्कारी देव कहें या जिसको कहें कि चैतन्य देव, इनके प्रति पूरे भारत की छोड़िए पूरे विश्व की श्रद्धा है। और ख़ास तौर से जब इनका भादवा का वो दिन आता है, उस दिन तो यूँ समझिए कि पूरे भारत में एक हलचल हो जाती है। और ख़ास तौर से पश्चिमी राजस्थान का तो ये हाल हम देखते हैं कि सड़कें जाम हो जाती हैं, भक्तों का एक सैलाब निकलता है। श्री रामसा पीर भगवान का ये मंदिर है, या हम इनकी सवारी जिसको लीला घोड़ा का सवार कहते हैं उनको नमन करें। हम देखिए इस मंदिर में हम जैसे श्री इनके पिता श्री रामदेव जी के, क्योंकि ये साकार रूप में पधारे थे संसार में, हालांकि विष्णु का अवतार इनको हम मानते हैं, ये श्री हरजी भाटी जी और ये इनकी माता श्री जिनको डालीबाई के नाम से लोग जानते हैं। देखो ये बड़ा सौभाग्य होता है कि भगवान किसी के घर में अवतरण हो, ये इससे बड़ा संसार में कोई सुख नहीं मिलता। जब श्री राम का अवतरण हुआ था दशरथ और कौशल्या जी के घर में, तो उससे बड़ा कोई बात हो नहीं सकती थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि 500 साल पहले जब ये सब हुआ तो बड़ा चमत्कार हुए थे। और ये राजस्थान की वो भूमि है जहाँ भगवान को आना होता है और अनेक अनेक रूपों में आना होता है। श्री पुजारी जी हैं हमारे सामने, क्या क्या शुभ नाम पंडित जी पुजारी जी आपका? शांतिलाल जी। और संयोग है कि शांतिलाल जी छत्र साहब हैं। क्या मंदिर के क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? आप यहाँ के क्या पुजारी जी हैं? हाँ। और कितना पुराना मंदिर होगा ये? हाइट 65 साल हुई। बाकी बहुत अच्छा मंदिर है, व्यवस्थित है और सबसे बड़ी बात है कि नियमित पूजा आरती होती है, लोग आते हैं यहाँ। हाँ। सब अभी मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे जो भगवान का ही स्वरूप होते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? रमेश कुमार है, यहीं के निवासी। क्या शुभ क्या करते हैं आप? मेरा तो व्यापार है, व्यापार है। हाँ बता रहे हैं कि व्यापारी होगा तो बहुत अच्छा। ये मंदिर क्या कहेंगे आप इस मंदिर के? मंदिर अच्छा है, पूरे गांव के लोग सब आते हैं यहाँ पे और सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं, आरती के टाइम पे। और आरती दोनों टाइम होती है? दोनों टाइम होती है। अच्छा अच्छा। और अच्छा मंदिर है भाई, मुझे भी लगता है क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ये सब होना ही चाहिए, कम से कम आरती के वक्त में हर घर से यहाँ पहुँचे, ताकि दिन भर की जो
जो भाग दौड़ की थकावट है वो हमारी दूर हो जाती है। हम श्री भगवान के परिक्रमा लगा के मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन ये मंदिर अपने आप में बहुत खास है, चारों तरफ बस्ती है और यहाँ दिन भर हम देखते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि हॉल है, भजन संध्या आदि चलती रहती है यहाँ और ये आसपास लोग रहते हैं सब व्यवस्थित रूप से। मैं मेरी बात को और शांतिलाल जी और क्या बढ़िया क्या कहेंगे आप, इस नियमित रूप से पूजा आरती होती है। चलिए हम सब एक बार मिलके जय बोलते हैं, बोलो राम साहब पीर की जय और बोलो आज के आनंद की जय।